आप कै पटेले को लोहार कोहार रही गरीबिया कुनबी कोरी लोहार कोहार चौहान बिंद हरिजन कई लोगों को कोटा आपने कराया? सिर्फ भाजपा ने लालीपॉप दिया है और समाज को लालीपॉप देना चाहती है लेकिन समाज उसको एक्सेप्ट। नेता कृष्णा पटेल हैं, मैं कृष्णा पटेल के साथ में हूँ और अपना दल के सही वारिस जो है माता जी हैं। अपने बाप तक तो पता नहीं लगा पाए कि हमारे CBI जांच नहीं करवा सकते, उनके लिए क्या किए। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौजूद हैं हम। अपना दल कमेरावादी का आज स्थापना दिवस है। देखिए तमाम होल्डिंगें लगे हुई हैं और तमाम लोग हैं। आज अपना दल कमेरावादी का स्थापना दिवस है। अखिलेश यादव आने वाले हैं, मुख्य अतिथि हैं। क्या नाम हो चाचा? लाल जी पटेल। कहाँ से आए हैं? प्रयागराज। प्रयागराज वाले ज़्यादा आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ, क्या उम्मीद है यहाँ 2024 के चुनाव में? पटेल समाज किधर जा रहा है? पटेल समाज सब इनके साथ, कमेरावादी के साथ। कमेरावादी अनुप्रिया पटेल के साथ कहे नहीं चाचा? हाँ, कहे नहीं अनुप्रिया पटेल के साथ। हाँ, अनुप्रिया पटेल के साथ कहे नहीं है? ये पटेल सही काम नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं सही कर रही हैं? सोने लाल पटेल जी की बेटी हैं, मंत्री हैं। मंत्री हैं फिर भी कुछ नहीं कर पा रही उसमें ना, सत्ता में है। पटेल समाज का साथ नहीं दे रह पा रही हैं। अपने बाप तक तो पता नहीं लगा पाए कि हमारे CBI जांच नहीं करवा सकते, उनके लिए क्या किए। और के लिए जो पूछ रहे थे, जो बता रहे थे ये काम होगा, ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, कुछ नहीं हुआ। पटेल समाज जुड़ा हुआ है कमेरावादी से? अपना दल जी जुड़ा हुआ है, अनुप्रिया पटेल से नहीं जुड़ा हुआ है? नहीं। क्यों नहीं जुड़ा हुआ है? अनुप्रिया पटेल से इसलिए नहीं जुड़ा है, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने एक भाषा बोली थी कमेरा बनाम लुटेरा। कमेरा कमजोरों की आवाज़ को कमेरा बोला जाता है और शोषण करने वालों को कमेरा बनाम लुटेरा बोला जाता है। अभी आप हाल ही चुनाव में विधानसभा में देखे होंगे हमारी नेता आदरणीय बहन पल्लवी पटेल जी कैसे यहाँ के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी को जड़ से उखाड़ फेंक दी। यही आपके अपने विधानसभा सिराथू विधायक हैं इस समय हमारी दीदी जी। कुर्मी वोट किसके साथ जा रहा है 2024 में? कुर्मी वोट तो देखिए एक तरफा वोट पड़ेगा अपना दल का मेरावादी दीदी जी के साथ, पल्लवी पटेल जी के साथ। हाँ चाचा, क्या नाम हुआ? मेरा महेंद्र सिंह पटेल। कहाँ से आए हैं चाचा? मैं वाराणसी से। अपना दल का मेरावादी जुड़े हैं? बिल्कुल जुड़ा हूँ, 1995 से जुड़ा। मैं इंटर कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल रहा हूँ, ग्राम प्रधान रहा हूँ, रिटायर हूँ। अपना दल यश कैसी पार्टी है अनुप्रिया पटेल जी वाली? सुनिए, अपना दल यश जो है कि ये आप सोचिए, जे लड़की अपने बापे महतारी के नाई होता, माने इन द विलेज लैंग्वेज ठेर भाषा में, वो अपना संघर्ष किए, अपना बंटवारा किए, ठीक है। आप मिनिस्टर हैं, पहली बार मिर्जापुर से जीती मिनिस्टर बन गई, फिर दूसरी बार जीती मिनिस्टर बन गई केंद्रीय। आपको मालूम होना चाहिए यहाँ जितने भी लोग हैं, एक सांसद को, एक कैबिनेट स्तर या कैबिनेट स्टेट मिनिस्टर हो चाहे कुछ भी हो, उनको यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहले 10 सीट मिलता था कोटा, अब कम से कम सुने माता 5 हो गया या 2 हो गया। तो आप कै पटेलों को लोहार कोहार रही गरीबिया कुनबी कोरी लोहार कोहार चौहान बिंद हरिजन कई लोगों को कोटा आपने कराया, BHU में इकट्ठे कराया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कराया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपने कराया। ये तो सेंट्रल है ना, देखिए कुछ काम नहीं किए हैं। अब वो जीत जाती हैं, मैं बताऊं, मिर्जापुर से जीत जाती हैं, लहर था मोदी जी का, तब पार्टी डिवाइड नहीं हुआ था, बटा नहीं था, मैं भी था साथ में। लेकिन उस समय जो चुनाव था तो बीजेपी की ओर देखिए कौन कौन है, मैं बताता हूँ आपको। आज असल देखिए ब्राह्मण क्षत्रिय, हम अनुप्रिया पटेल की बात कर रहे हैं, अनुप्रिया पटेल की, कुर्मी समाज के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं अनुप्रिया पटेल? नहीं, हमको तो अंदाज़ा नहीं है कि करें। कै बताइए आप कै थे सेंट्रल में नौकरी दिलवाए, उनके हस्बैंड जो है, उनके पति जो हैं या उद्योग मंत्री है कैबिनेट के UP में,
कई लड़कों का आईआईटी या कितने लोगों को, यही मुद्दा है। तो क्या लग रहा है पटेल समाज किधर जा रहा है आपकी? मैं बताता हूँ, अगर जैसे मिर्जापुर से पुनः लड़ें, बात समझ गए आप, अगर पटेल दूसरा नहीं है प्रतिद्वंदी तब तो जीत जाएंगी। अगर पटेल बीच में कोई आ गया, जैसे बाल कुमार आ गए पटेल, एक बार सांसद थे, अगर वो आ गए तो कांटे की टक्कर होगी। और इसमें मैं बता दूं, इस समय ये सब 11 सीट लेकर के यूपी में सबसे मजबूत है विपक्ष में, ये समाजवादी पार्टी अखिलेश सिंह, और हम जो हैं कुर्मी हमारा है अभी तक तो आप जोड़ेंगे तो इसके पहले जो है 67 और 33 का एवरेज था, 67 चला गया अनुप्रिया की तरफ और 33 चला गया। लेकिन जब ये गठबंधन बनेगा, जो ये गठबंधन है 28 का, इस बार हमको आपको बताते हैं 50-50 हो जाए या इधर अखिलेश कुर्मी 70 हो जाएगा उधर 30 हो जाएगा। कुर्मी समाज फिर अखिलेश यादव साथ जा रहा है? बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। और भी लोग हैं दादा, हैं अपना दल कमेरावादी जुड़े हैं? जी हाँ। क्या नाम हुआ? हमारा भोला प्रसाद वर्मा। कहाँ से आए हैं? फैजाबाद, अयोध्या से। अयोध्या से आए हैं, क्या माहौल है? बहुत बढ़िया है। अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, क्या लग रहा है 2024 में कैसा रहेगा अखिलेश यादव का नेतृत्व? बहुत बढ़िया रहेगा, जुड़े हैं, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। पटेल समाज किधर जा रहा है? सब कमेरावादी में जा रहे हैं। आज शायद अनुप्रिया पटेल का भी कार्यक्रम है फैजाबाद में। हाँ, लेकिन वहाँ फीका प्रोग्राम है। आप लोग क्यों नहीं गए? अरे हम कमेरा तो दावा करते हैं कि हम पटेल समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारा नेता कृष्णा पटेल हैं, मैं कृष्णा पटेल के साथ में हूँ और अपना दल के सही वारिस जो है माता जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग हैं और रहेंगे। क्या लग रहा 2024 में पटेल समाज किधर जा रहा है? 24 में निश्चित रूप से माता जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन में पटेल समाज का वोट जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार भी बन रही है पूर्व एनडीए में है अनुप्रिया पटेल, अपना दल की नेता हैं, उनके साथ पटेल समाज क्यों नहीं जा रहा? समाज इसलिए नहीं जा रहा कि समाज जानता है कि जो डॉक्टर साहब पटेल का मिशन था, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का जो मिशन था, उस मिशन को ओरिजिनल में लेके चल कौन रहा है, समाज की लड़ाई कौन लड़ रहा है। मंत्री हैं वो पटेल समाज के, उनके साथ है, उनको सिर्फ भाजपा ने लालीपॉप दिया है और समाज को लालीपॉप देना चाहती है लेकिन समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता। क्या कहेंगे, कैसा रहेगा 2024 का चुनाव? इंडिया गठबंधन जीतेगा, पटेल समाज पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत का जो है इंडिया में है। अनुप्रिया केवल अपना स्वार्थ चाहती है, उसके पति को मंत्री बना दिया जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने बना दिया अनुप्रिया को, दोनों को झुंझुना बना दी, पकड़ा दिया। इनके पास पावर तो है नहीं कुछ करने का, इनमें पावर आवर नहीं है, ये केवल वोट लेने के लिए, पटेल समाज का वोट लूटने के लिए बना दिया उल्लू बना दिया है सीधा, बस और कुछ नहीं है ना। एक आदमी का, एक किसान का, किसी का भला नहीं कर सकती है अनुप्रिया। राहुल गांधी जिंदाबाद और नीतीश कुमार जिंदाबाद। नीतीश कुमार को हम लोग बनाएंगे, अब की बार नीतीश के साथ हैं हम लोग, प्रधानमंत्री बनाएंगे नीतीश कुमार को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पटेल समाज साथ है, पटेल समाज पूरा भारत का साथ है। एनडीए में अनुप्रिया पटेल भी हैं, उनको देख लिया, दो बार देख लिया, देश में प्रदेश में दोनों जगह तो देख रहे हैं। अब उनका लेके कहा देखें, जाओ उनका चेहरा कोई मतलब नहीं है उनसे। पटेल समाज फिर जा रहा है इंडिया के साथ? हाँ बिल्कुल जाएगा। कहाँ से आए हैं दादा? हम आए हैं सोरालता से। कौन सा जिला है? इलाहाबाद, प्रयागराज। 2024 में क्या माहौल लग रहा है? 2024 में तब का तब देखा जाएगा, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए हम छात्र हैं और हम पढ़ाई से जुड़े हैं, हम किसी पार्टी को क्या कह सकते हैं। छात्रों के लिए कैसा रहा है मोदी जी का सरकार? छात्रों के लिए तो सही नहीं रहा है, क्योंकि इन्होंने जैसे हमारा इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, इसको अग्निवीर में बदल दिया, 4 साल के लिए कर दिया, ये जो है बहुत ख़राब है और ये बहुत ही मतलब भविष्य को एक प्रकार से देखा जाए तो अंधकार में डालने का पूरा माहौल हो गया। हमारी रेलवे को जो है इंडियन रेलवे को ये टोटल प्राइवेट कर दे रहे हैं। तो जब हमारे जो है घर में आप देखिए, हमारे
हमारे घर में किसी का यदि स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो एक गवर्नमेंट जॉब नहीं रहती है तो उस घर की स्थिति क्या होती है। वो आदमी आज की इस महंगाई में एक अच्छा इलाज एक अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं करा सकता और अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े उनकी शौकों को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए जो है मोदी का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देखा जाए तो हमारे युवाओं के लिए और नौकरी पीढ़ी के लिए ये जो है इनका कार्यकाल बहुत ही खराब है। आप युवा हैं, अखिलेश यादव युवाओं की बात करते हैं जी, 2024 के चुनाव में क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश से बड़ा चेहरा रहेंगे? हाँ रहेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौजूद थे अखिलेश यादव, अपना दल कमेरावादी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे, पटेल समाज के लोग साथ थे, बहुत ज़्यादा भीड़ है, पटेल समाज के लोग उत्तर प्रदेश के कई जिले से आए हुए हैं, कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हो बताइएगा, पसंद आएगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।